कोरोना और लॉकडाउन ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। लोगों को आर्थिक तौर पर इतना नुकसान उठाना पड़ा है कि उनका घर का गुजारा भी मुश्किल हो गया है। ऐसे ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है स्ट्रीट वेंडर्स को। कोरोना और लॉकडाउन से ठीक पहले इन्हें अपनी जगह से उठाकर चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टरों में जगह दी गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण लगभग 2 साल होने को हैं, इनकी दुकानें ना के बराबर ही खुली हैं। ऐसे में नगर निगम इनसे वेंडिंग फीस ले रहा है, लेकिन बिना काम के ये फीस देने में भी असमर्थ है। इन लोगों का कहना है कि पहले वे जिन जगहों पर बैठती थी उनका कारोबार अच्छा चलता था, लेकिन जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से उनका कारोबार ना के बराबर है और पिछले कोरोना और लॉकडाउन के बाद से तो उनका कामकाज ही ठप हो गया है। ऐसे में उनका घर का गुजारा चलाना भी बहुत मुश्किल हो पा रहा है, तो वे नगर निगम को फीस कहाँ से दें? हमारी चंडीगढ़ से और एमसी से हमारी गुजारिश है कि हमें हमारी अपनी अपनी जगह पे भेजा जाए, जिससे कि हम अपने बीवी बच्चों का और घर का खर्चा चला सके। जहाँ हम 3 साल से बैठे थे हमें बिठाया ही नहीं गया, हमें ऐसी जगह बिठाया गया जहाँ किसी भी चीज की कोई सुविधा नहीं है, और हमारी ये लॉकडाउन के बाद की फीस भी माफ की जाए। सुनवाई नहीं कर रहे, ये जाएगा पीएम के पास, मोदी के पास जाना चाहिए। लेडीज की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं कितनी बार जाके एप्लीकेशन 10, 8, 9 दे के आई, मेरा कोई काम नहीं है। उनको काम करना चाहिए, लेडीज का तो सुना करना चाहिए। घर में भी नहीं आते, घर में भी झांकने नहीं दे आते, घर वाला इतना मेरा बीमार पड़ा है। रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा जी, हमने 16 महीने से फीस जमा कराई। नोटिस आ रहे हैं वो 26 जुलाई को उनको इन्होंने आया है कि भाई आप फीस से इकट्ठी जमा कराओ, मगर हमारे पास गुंजाइश नहीं है, घर का खर्चा नहीं निकल पा रहा हमारा, बहुत मुश्किल हो रही है हमें। हमें 20 साल हो गया, 25 साल हमने कोशिश कर रहा हूँ सर, सरकार की विनती करने के लिए, अब सर मैं क्या करूँ सर अपनी जिंदगी में क्या। वहीं स्ट्रीट वेंडर्स की इन परेशानी को लेकर मेयर रविकांत शर्मा का कहना है कि इनकी फीस माफ करने की कोशिश की जा रही है और इनको लेकर उन्होंने एक कमेटी का गठन भी किया है। इसके साथ ही साथ टाउन वेंडिंग कमेटी का भी दोबारा गठन किया जाएगा, जिसमें ये विचार किया जाएगा कि पहले जिन जगहों पर बैठी थी उन्हीं जगहों पर इन्हें बिठाया जाए ताकि इनका काम पटरी पर लौट सके। जब ये वेंडर एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ तो टाउन वेंडिंग जो कमेटी है, जिसमें वेंडर के भी 4 मेंबर होते हैं, प्रधान जो वेंडरों के होते हैं वो 4 मेंबर उसमें भी होते हैं, तो ये फैसला जो है टाउन वेंडिंग कमेटी ने लिया था। इन्होंने इमीडिएट ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से जहाँ जहाँ जितनी साइट थी उस एरिया में ड्रॉ के माध्यम से भेज दिया, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्ट के हिसाब से भी गलत है, क्योंकि एक्ट में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे ऑलरेडी बंदा जहाँ जिसका सर्वे हुआ है बहुत नज़दीक उसके एरिया में ही, ताकि वो अपना रोज़गार कमा सके, यहाँ पे कस्टमर भी आता हो। तो जो इसमें प्रावधान है और इसका विषय हमने गवर्नर साहब से, एडवाइज़र साहब से, चीफ आर्किटेक्चर ड्यूटी से, उनसे भी उठाया, और टाउन बेंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो कमिश्नर होते हैं उनको भी बोला है। ये बहुत जल्दी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, इसी हफ्ते हम मीटिंग करने जा रहे हैं इसको लेके, और इनको जो भी नियर बाई वहाँ पे साइट होगी जो अभी अलॉटेड है उसको कैंसिल करके नियर बाई साइट में हम इनको ज़रूर प्लेस करेंगे, और बाकी इसमें 17, 19 और 22 को छोड़ के बाकियों का जो इशू है ये बड़ी जल्दी रिजॉल्व होगा। बता दी कि कोरोना और लॉकडाउन ने लोगों के आर्थिक हालातों को काफी खराब कर दिया है। हालांकि हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन महामारी के लगातार फैलने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में कोई भी काम धंधा अभी तक पटरी पर नहीं आया, फिर वो स्ट्रीट वेंडर ही क्यों ना हो। जरूरत है कि प्रशासन इनकी ओर ध्यान दे और इनकी मदद करे। पंजाब के सी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।